फाइनली हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग बात करेंगे रेड नोटिस। मुझे पता है कि मैं वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया, लेकिन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ड्वेन जॉनसन और रैन रेनॉल्ड्स किसी मूवी में हो और ऊपर से उसमें गैल गैडोट भी हो, तो वो मूवी देखने का वेट आप लोग नहीं करोगे। और घंटा किसी को रिव्यू की फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एज अ फैन और एज अ रिव्यूअर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि रेड नोटिस ये मूवी कैसी है। ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलती है और ओवरऑल लेंथ 1 आवर 57 मिनट की, और यस ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। मूवी की कहानी बताकर आपका जो मजा है वो मजा खराब नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया दे दूं कि रॉक यहाँ पर एक FBI एजेंट है, वो पड़े है एक शातिर चोर के पीछे, इनफैक्ट एक नहीं दो शातिर चोरों के पीछे। लेकिन उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कैसे अंडे का फंडा या जो जो चीज़ें होती है वो सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी के लिए एक ही चीज़ बोलूंगा कि भाई देखो, ये एक टिपिकल हॉलीवुड एक्शन कॉमेडी एंटरटेनिंग मूवी है, जिसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस चुपचाप बैठना है और मूवी को एंजॉय करना है। देखो यार, जिस मूवी में रॉक और रैन रेनॉल्ड्स दोनों साथ में हो, तो उस मूवी में आप लोग सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, वो स्पॉयलर्स भी हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर मूवी का सेकेंड पार्ट बनेगा, और आप लोग शॉक मत होना कि अगर हमें उस पर्टिकुलर पार्ट में जेसन स्टैटम भी देखने को मिल जाए या केविन हार्ट देखने को मिल जाए, कोई पता नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी, क्योंकि रॉक के साथ अगर किसी की केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा अच्छी लगती तो वो है केविन हार्ट और जेसन स्टैटम। और रैन रेनॉल्ड्स इस बार जो बवाल मचाया है रॉक के साथ मिलकर, आप लोग एक ही चीज़ बोल सकते हो कि भाई ये कुछ ऐसे एक्टर्स हैं हॉलीवुड के जिनको एक्ट्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही आपस में इतने ज़्यादा फनी है, एक दूसरे का इतना ज़्यादा मजाक उड़ाते कि ऑडियंस ऑटोमेटिक इनसे इतना ज़्यादा जुड़ जाती कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इसमें ग्लैमर है कि नहीं मूवी में। और सीरियसली जिस तरीके से रॉक और जेसन ने अपने हॉब्स एंड शो में जो अपने अंदर की केमिस्ट्री बताई थी, या सेंट्रल इंटेलिजेंस में जैसे रॉक और केविन हार्ट ने अपने बीच की केमिस्ट्री बताई थी, बिल्कुल वैसी ही केमिस्ट्री आपको रायन और रॉक के बीच में देखने को मिलती है। हालांकि रायन और रॉक के बीच की केमिस्ट्री हमने हॉब्स एंड शो में देखा था, लेकिन वापस ही एक टीजर था, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी एक मूवी है। यार मैं मूवी के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहा, ज़्यादा इनकी केमिस्ट्री के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन यकीन मानो आपको मूवी से ज़्यादा इनकी केमिस्ट्री ही अच्छी लगेगी। उसके अलावा मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है, स्टार्ट टू एंड जो एक्शन से हर एक सीन को इतनी अच्छी तरह से शूट किया, वाह यार मजा आएगा। इसके अलावा मूवी में कुछ जगह पे फ्लॉस है, लेकिन वो फ्लॉस आप लोग नजरअंदाज कर सकते हो, क्योंकि मूवी इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग है, इतनी ज्यादा एंगेजिंग है कि भाई मजा आ जाता है। मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न्स भी डाले, ऐसे ट्विस्ट के आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। इसके अलावा मूवी का BGM बहुत अच्छा है, और एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो ये उन ए लिस्ट एक्टर्स में से एक, यानी कि गैल गैडोट, रॉक और रैन रेनॉल्ड्स, जिनका नाम ही काफी है भाई। और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये मूवी उनके परफॉर्मेंस के लिए नहीं बनाई गई थी, ये मूवी सिर्फ और सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनाई गई थी, और ये लोगों ने अपने हिस्से काम बहुत अच्छी तरह से किया। आपको ब्लैक एडम, डेडपूल और वंडर वुमन, इन तीनों की झलक एक ही मूवी में देखने को मिलती है। मैं क्या ही बोलूँ यार, रैन रेनॉल्ड्स का कैरेक्टर ऐसे ही है जैसे कि हमने डेडपूल के बाद उनके अंदर जो बदलाव देखा था, वो बदलाव मोस्टली उनके हर एक मूवी में हम लोग फील कर सकते हैं, और रैन रेनॉल्ड्स इस मूवी में भी बिल्कुल उसी तरह से। अगर रॉक की बात करें तो वो मेरे पर्सनल फेवरेट है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको इस वीडियो में एक फैन ज़्यादा नजर आ रहा होगा एक रिव्यूअर के अलावा, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ कि मैं कोई रिव्यूअर नहीं हूँ भाई। मैं जब भी मूवी देखता हूँ एज अ फैन देखता हूँ, मुझे वो अच्छी लगती है मूवी, लेकिन जो अच्छी नहीं लगी थी मैं बोलता अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये मूवी फुल टू एंटरटेनिंग है, मज़ा आ गया। खामियाँ है, लेकिन खामियाँ ढूंढोगे तो फिर पास की जो अच्छाई है वो खत्म हो जाएगी। और मूवी हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो तो ये मूवी एंटरटेन करती है 100% श्योर। और अगर गैल गैडोट की बात करो तो यार बहुत ही अफसोस से कहना पड़ेगा कि वो जो एक उनके अंदर की जो हॉटनेस है या वो जिस तरह से लगती है ना दूसरी मूवीज में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीकी पड़ गई। फीकी इसलिए पड़ी क्योंकि रॉक और रैन की केमिस्ट्री इतनी फाड़ू थी, इतनी अंगार थी कि गैल गैडोट कहीं ना कहीं पीछे रह गई। तो यार मैं तो इतने बोलूंगा कि अगर आपको एंटरटेनिंग मूवी देखना तो भाई ये मूवी देखो, आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन अगर आप लोग गलतियां ढूंढने में लगोगे तो ये मूवी में आपको कुछ ना कुछ गलतियां डेफिनेटली मिलेगी, जो कि मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। पेरेंटल गाइडेंस में तय बोलूंगा, मूवी के एंड में आपको कुछ किसिंग सीन और बिकनी वाला सीन देखने को मिलेगा, वो एकदम एंड में, तो आप लोग पूरी मूवी देख लो, एंजॉय कर लो, उसके बाद आप लोग बंद कर देना बस। लेकिन फिर भी अगर आपको अकेले देखना तो देखो, मजा आ जाएगा। और हाँ, मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 6.5 out of 10। ये कोई मास्टरपीस मूवी नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट पर्पज वाइज देखा जाए बहुत ही फाड़ू मूवी है।
बस इस वीडियो में इतने वीडियो खराब लगा तो डिसलाइक करो, अच्छा लगा तो लाइक करो। हाँ, ये चैनल पे सब्सक्राइब किए तो करो, बहुत अच्छी बात है यार। 1 लाख सब्सक्राइबर दिलाओ, क्योंकि पैसा तो मिलता नहीं, कम से कम सब्सक्राइबर दिला दो। और हाँ, वीडियो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैं जहाँ पर काम करता हूँ पे इतना ज्यादा माशाल्लाह काम है कि अब ये चैनल पे मेरे को वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा। तो यार अभी बहुत ही, अभी देखो 12:15 बजे रात के, तो अब तो मैं ये वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, ये वीडियो अपलोड कल सुबह ही होगी। देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।